भारत को बड़ा अरसा फॉरेन इन्वेडर्स ने सुप्रेस करके रखा। फॉरेन इन्वेडर कौन थे? वो अपने पठान भाई थे, अफगानी थे, कोई टर्कश थे, कोई इधर के, जो फारग होता था इधर आके कब्जा कर लेता था। वो जिसको दुनिया में कोई काम नहीं होता था वो यहां आ जाता था। जो आवारा लोग थे इधर उधर के, वो सारे कब्जा करके बैठ जाते थे। फिर आपस में लड़ते थे जानवरों की तरह, अपने भाइयों को मारते थे, अपने बापों को मारते थे, हर गलत काम करते थे, लबादा कपड़े ऊपर इस्लाम के डाल देते थे। बिल्कुल, आपको इतला नर्ज है कि जितने यहां पे मेजोरिटी आप जितने मुगल एम्परर थे सारे वाइन पीते थे। इस्लाम में चार शादियां, मैं तो उसके भी हक में नहीं हूं, चार शादियां जायज है। 100 लड़कियां इनके हरम के अंदर होती थी। ये जो हमारे ओप्रेसर थे यहां पे, ये लुटेरे आते थे, 100 लड़कियां इनके हरम के अंदर होती थी, लौंडियां इनकी, कहने को नाम इनके मुसलमानों के थे। तुगले बाबरी किताब लिखी थी बाबर साहब ने, तो उसमें उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे एक वाइन की बॉटल मिल जाए, थोड़ा सा गोश्त मिल जाए, और शाहजहां का वो जो पता नहीं शाहजहां थी या कौन थी उसका मुझे दीदार मिल जाया करे, मुझे दुनिया में चाहिए कुछ। वाह भाई वाह। और कहते मेरे हमने इस्लाम की खिदमत की है, टोपियां सी सी के गुजारा करते थे, हाथ से कहते कुरान लिखते थे। ये जो मेरे जिस मुल्क में मैं पैदा हुआ हूं, बचपन से मुझे ये सिखाया जाता था इनके नाम बता बता के, कि ये हाथ से कुरान लिख कर देते थे तो इससे इसकी आमदन से गुजारा करते थे। लेकिन हरम के अंदर 100 औरतें थी इनकी, और वाइन भी पीते थे। मुबारकबाद इसलिए दी है कि उनके ऑपरेशन के बाद, उनकी ज्यादतियों के बाद, फिर ब्रिटिशों के बाद, आज अगर इस लोकल लैंड के लोग, चाहे वो INS चेन्नई के जरिए रेड सी में जा रहे हैं, चाहे अदितिया L1 को लेके जा रहे हैं, मुझे खुशी है, मुझे इस बात की है कि आज वो दुनिया से इंतकाम लेने के काबिल हो रहे हैं। पहला जो चंद्रयान गया था, मैं उस पर तो खुश था ही था, लेकिन मुझे मेरी खुशी ज्यादा इसलिए होगी थी कि वहां ले जाने वाले का नाम सोमनाथ था, सोमनाथ के साथ। अब मैं उससे आगे बताना चाहूंगा कि मेरा रिलेशनशिप विद इंडस सिविलाइजेशन, इंडिया लफज इंडस सिविलाइजेशन से निकला है, और मैं उस इंडस रिवर से तकरीबन 100 मील के दूर से एक जगह जहां पैदा हुआ था, मैं टेक्सलास यूनिवर्सिटी से 100 किलोमीटर के फासले में पैदा हुआ था, तो मेरे लिए ये खुशी का मुकाम है कि उस सरजमीन के लोग अब जो है तालीम के जरिए दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा जिक्र कंपेयर करूंगा, शायद कोई मेरे कंट्री के लौंडे रपाड़े हैं जो आवारा है लोग, जिन्होंने तालीम के साथ बाइकाट कर रखा है, साइंस के साथ दुश्मनी है उनकी, उनको यह बताना चाहता हूं कि दूसरी साइड पर अदितिया L1 सूरज के ऑर्बिट के पास पहुंच चुका है, 15 लाख किलोमीटर का फासला करके, और आपके कराची में अभी पोलियो है। मैंने अभी खबर आज मेरे पोलियो इश्तिहार देखा कि पोलियो की वो कतरे पिलाते फिरे। कराची में 4 केस हैं और कंट्री के अंदर 54 पॉजिटिव केसेस पकड़े जा चुके हैं। दुनिया में हर जगह पोलियो खत्म हो चुकी है। सर लोग भी तो जाहिल है ना, वो कतरे लेते ही नहीं है, वो ड्रॉप्स देने वाले जब जाते हैं। नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा। ये बहुत चालाक लोग हैं, फ्राडिये हैं, नाम रखा कहते हैं इस्लाम के नाम पे कंट्री बनाया, सारा कंट्री करप्ट है, सारा कंट्री ही करप्ट है। मुझे ये बताएं, कोई मुझे आपके कंट्री में खालस गिलास का दूध मिलता है कहीं से? ढूंढ के ला दें मुझे आप। इस्लाम का किला आपने बनाया है, खालस दूध का गिलास ढूंढ के दे दें मुझे आप। कोई दवाई खालस मिलती है वहां पर? आप बता दें मुझे। नहीं। किसी दफ्तर के अंदर चले जाए रिश्वत के बगैर काम होता है? करवा के दिखा दे मुझे। सर हॉस्पिटल में नहीं होता। इस्लाम का किला है। कहते दुनिया खत्म हो जाएगी, ये कंट्री खत्म नहीं होगा क्योंकि ये इस्लाम के नाम पर बना था। ये मुझे बताया गया, मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है ये। और मैं जब पढ़ लिख के जवान हुआ, इसी इस्लाम के किले ने मेरी कमर के ऊपर ठुड्डा मार के उसने कहा दफा हो जाए यहां से, जिंदा भाग जाए अगर भाग सकता है तो। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ मेरी 2 वक्त की रोटी 2 वक्त के खाने की गारंटी नहीं दे सका इस्लाम का किला मुझे। मैं मुहाजिर होके आया हूं जिस मुल्क में बैठा हूं, और मैं मरूंगा इस मुल्क के लिए। मैं इसने मुझे रिफ्यूज दी है,
इसने मुझे, मैं इनका नमक खाता हूं रोजाना। लेकिन आरजू अफसोस के साथ, इस्लाम का किला बनाया आपने, इस्लाम के नाम पे कंट्री बनाया, लेकिन दुनिया का करप्ट तरीन कंट्री है। मेहरबानी कभी फरमाएं, या तो उसका नाम पाकिस्तान से चेंज कर लें, या फिर ये कहना बंद कर दें कि हमने इस्लाम के नाम पे बनाया था। आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। वैसे नाम तो पहले भी इतना कोई नहीं है, 1.9 बिलियन जलील हो रहे हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ आप ही नहीं जलील हो रहे। देख ले को मुल्क कोई खड़ा है मुल्क सीधा कोई आपका, या तो आपके ऊपर हुक्मरान जो है वो खुदा का अजाब बन के नाजल हो चुके हैं, या दूसरी कौमें आपको मार रही हैं। दूसरी कौम देख ले, गजा में देख ले आप क्या हालत है वहां पे, 1.9 बिलियन मुसलमान है। देख ले किसी इस्लामिक कंट्री के अंदर, बता दें कोई सुकून है या कोई अमन है या वहां या करप्शन, और ना ही इस्लामिक कंट्रीज एक दूसरे की मदद करते हैं सर। यूरोपियन कंट्रीज खड़े हो जाते हैं अपने लोगों की मदद के लिए, ये नहीं करते। क्या बताऊं, कल परसों इजिप्ट के अंदर उन्होंने इलेक्शन कराया है, सीसी साहब के बिना जीत गए हैं, देखे करप्शन के क्या हालात है इजिप्ट के अंदर, देखे जरा। सऊदी अरेबिया को देख लें आप, कोई मुल्क उठा के देख लें जिसमें करप्शन नहीं, बदतरीन करप्शन। ज्यादातर जो ममालिक हैं, ज्यादातर जो लोग हैं, दुख के साथ कहूंगा, मॉरली बैंकरप्ट हो चुके हैं। ना सिर्फ फाइनेंशियली आपने क्या होना है, लेकिन आप मॉरली बैंकरप्ट हो गए, इंसानियत ही नहीं है। हर इस्लामिक कंट्री के अंदर से हवानियत टपक रही है, हवानियत, एक दूसरे का गोश्त खा रहे हैं, ये इस्लाम है। हाँ, रिचुअल पे जोर है, हाँ कहते नहीं जी नहीं, रोजे सारे रखने हैं भाई, दिन में साल में छह जो है उम्रे भी करने हैं, कमाई हराम की है, कमाई हराम, बिल्कुल ऐसा ही चले फिर करें आप करें। तभी वजह यह है कि आपने इस्लाम को बदनाम किया है, ज्यादातर मुसलमानों ने इस्लाम का नाम आपने खराब किया है। मेरा ख्याल है यही अजाब के आपकी एक वजह भी अजाब की है, आपकी दुनिया भी खराब है और आखिरत भी खराब है, क्योंकि आपने इस अपने रिलीजन के साथ ज्यादती की है। आप जिस कंट्री में बैठे हैं उस मुल्क का तो देखें हालत, कौन से लोग ऐसे देखे होंगे जो अपने कपड़ों को आग लगा के जश्न मना रहे हो। आप जिस मुल्क में बैठे हैं अपने एसेट्स फॉरन दूसरे मुल्कों को बेचकर खुशियां मनाते हैं, कहते हैं डॉलर आ रहे हैं, इसको कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, अपने एसेट्स बेच रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, काम करने को तैयार नहीं है सर ये लोग। आप इस वक्त आरजू करप्शन में आपका हिस्सेदार, आपका पार्टनर आपके साथ कौन है, वो आईएमएफ, उनके तो फायदे हैं, वाशिंगटन डीसी से पैसे देते हैं, एक बैंक से निकाल के दूसरे बैंक में चले जाते हैं, 23 करोड़ लोगों के गुर्दे लिख लिए जाते हैं, एक साइड पे चाइना चला हुआ है, वो उसको कहते हैं अपना वो गुर्दे ले रहा है कौमों के, एक साइड से आईएमएफ चला हुआ है, अभी तीसरा एक नया गाहक भी आने वाला, नई प्रोडक्ट भी आने वाली, ब्रिक्स वाले भी सोच रहे हैं अपना बैंक बनाए, वो कहते हैं यार इतने लोग ये इतने कौमों के गुर्दे लिख रहे हैं, हम भी लिखवाएंगे, वो आईएमएफ को असर को खत्म करने के लिए वो अपना बैंक निकालेंगे। लेकिन क्या वजह है कि आपके 23 करोड़ लोग जो है आंखों से अंधे, कानों से बहरे हो चुके। सर आम पब्लिक तो कुछ नहीं कर सकती ना, वो तो बेचारी मजबूर है, ये तो जो पॉलिसी मेकर हैं जिनके हाथ में पावर है सारा काम वो करते हैं। नहीं, मैं इस पे एग्री नहीं करूंगा, उसकी वजह ये है कि आपके डीएनए में ही नहीं ना, मैंने तो हिस्ट्री खोल के पढ़ता रहा हूं आपकी, कभी मैं कहता हूं आपके ये जो प्रोग्राम लोग सुन रहे हैं, जरा मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कभी गूगल करके पूछे पठान भाई मुगल कितने थे यार तादाद में, इतने बड़े कंट्री के ऊपर कब्जा करके जुल्म करते रहे कितने थे तादाद में, गूगल करें ब्रिटिश कितने थे जिन्होंने इतने बड़े कंट्री को अपने पांव के नीचे रोंद के उन्होंने हुकूमत की, देखें जरा, शर्मिंदगी है शर्मिंदगी। अब वो आप तो चलो फिर को पांव पे खड़े हो गए, वो भी उसकी वजह ये है, आपको मोदी ने सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है नेशनलिज्म का, उसने आपको बताया है कि आए हम आजादी हासिल करें, आए हम अपनी कौम बनाए, आपको तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारी साइड पर तो फिर ये इस तरह की कदी कोई नहीं ना, हमारा तो फिर हम तो लंदन से हम तो आजाद हुए नहीं है, आपको तो आजादी मुबारक होनी चाहिए, हम तो अभी ब्रिटिश कॉलोनी है सर। हमारे यहाँ तो वो खान साहब कहा करते थे कि जी वो मोदी जी की गवर्नमेंट जाएगी तब बात होगी, वरना भारत से बात जरूरत क्या है बात करने की, कहते खुलफाए राशिदीन का दौर चाहिए, छठी सदी का, हम गधों पे फिरे और मुर्गियों का कारोबार करें। आज का देख लें सबसे बड़ी खबर क्या है, पेपैल ने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने कहा यार इस इस्लामिक कंट्री में हम नहीं जाना चाहते, ये जो इस्लाम के नाम पर कंट्री बना है हम नहीं जाना चाहते, ये तो बहुत फ्रॉडी है यार, पेपैल डर रहा है।
आप ये तो शोर कर रहे थे कि आ रहा है, इन्होंने तो बड़ी खबरें दी थी। वो थर्ड पार्टी के जरिए आएगा, वो कहते हैं हमारे पर जलते हैं भाई, ऐसी कौम में हम किस तरह जाएंगे। एयरलाइनें रिफ्यूज कर चुकी हैं, वो कहते हैं हमें तो, हम तो आप भाई क्रेडिट कार्ड से आपने टिकट ले लिया करें, हम वहां पे नहीं बेचेंगे टिकट अपने। लेकिन हाँ, इस्लाम का किला है भाई, इस्लाम इस्लाम के नाम पर कंट्री बना है, हम चलाएंगे इसको। वाह वाह भाई वाह, और मुबारक हो आपको, आपके आप काबुल में आपके लिए माफी मांगने के लिए जो शख्स गया है जिनका मदरसों का कारोबार है, मौलाना फजलुर रहमान साहब। मेरा क्वेश्चन, फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं गया भाई वहां, क्या वजह है? फॉरेन मिनिस्टर को जाना चाहिए था, उनके पाँव में पढ़ने के लिए आपको फॉरेन मिनिस्टर को जाना चाहिए था कि पठान भाई ना मारो यार, हम तो बहुत गरीब लोग हैं यार, छोटे छोटे बच्चे क्यों मार रहे हो? वो मौलाना साहब गए हैं जिनका मदरसों का कारोबार है। देखिए मैं सोच रहा था अगले दिन, मैंने ट्वीट किया, बल्कि मैंने कहा उसका क्या स्टेटस है भाई, उसकी क्या अथॉरिटी, क्या कैपेसिटी, वो किस कैपेसिटी में गया पाकिस्तान की बेस पे नेगोशिएट करने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज भी बताना चाहता हूं, पठान भाई का कल्चर ये कहता है, अफगान भाई का, कि जब भी पहले ये जाते थे मेरे पाकिस्तानी ये जो करप्ट लोग हैं उनसे नेगोशिएट करने, तो दो चीजें साथ लेके जाते थे, वरना वो पठान बात ही नहीं करते इनसे, या पैसे लेके जाते थे या असला लेके जाते थे। बिल्कुल, वो सबसे पहले पठान भाई आते थे, पूछते क्या लेकर आए हो, बाद में बात करें, क्या लेकर आए हो? वो कहते हैं सर ये चार बोरियां डॉलरों की लेके आए हैं, ये 200 गोलियां, ये क्लाशनिकोव की, इतने 2000 डब्बे वो लेकर आए हैं, तब तो वो बात करते हैं इनसे। अब मौलाना को क्या देके भेजा इन्होंने भी? आपके पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पैसे सारे तो लंदन पड़े हैं आपके, पैसे तो आपके अमेरिकन बैंकों में टोरंटो और लंदन पड़े हैं, मौलाना साहब को नस्वार देके भेजा आपने वहां पे, क्या देके भेजा यार, पूछे उनसे। लेकिन वो किस कैपेसिटी में जाके नेगोशिएट कर रहा है, माफिया मांग रहा है आपकी तरफ से? यहाँ कुछ भी पॉसिबल है सर, इस कंट्री में कुछ भी पॉसिबल है। कैपेसिटी, वो किस कैपेसिटी में गया यार? वो थर्ड पार्टी, वो तो एक सियासतदान है, वो भी उसके पास तो कोई आजकल पोजीशन ही नहीं है। लेकिन आज खबरें चल रही है डॉन पे भी, बीबीसी पे, वो इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से बड़े मजे के साथ उड़ के गया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। चले, इस तरह मुल्क चलते नहीं है। खैर, चल कौन कहता है चल रहा है मुल्क, इसको चलता थोड़ी कहता है। भारत ने स्पेस सेक्टर में आज एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आज भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 शाम 4 बजे के करीब अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इसे कमांड देकर L1 पॉइंट की हेलो ऑर्बिट पर पहुंचा दिया है। यान को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया गया है। इस तरह 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से सूर्य की ओर शुरू हुई 15 लाख किलोमीटर की यह यात्रा अपने मुकाम पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी के लिए देश को बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंची। यह सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। उधर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत के लिए यह साल शानदार रहा। पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में टीम इसरो द्वारा लिखी गई एक और सफलता की कहानी। सूर्य पृथ्वी कनेक्शन के रहस्यों की खोज के लिए आदित्य L1 अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच गया है।